हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं वन्य वन्य जीव क्लास 10। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ये जो चैप्टर है ये एक तरह से आपको काफी चीजों की इंफॉर्मेशन देगा और बीच बीच में आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स भी बताता रहूंगा ताकि आपकी ज्योग्राफी की समझ और डेवलप हो जाए। सूचनाओं से भरा हुआ चैप्टर है ये। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मात्र एक हम लोग हिस्सा है, मतलब हम संपूर्ण नहीं है, हमारे साथ और भी जीव इस ग्रह पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और हमारा अस्तित्व और कई चीजों पर, तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे वायु, सांस ले रहे हैं हम लोग, पानी पी रहे हैं हम लोग, बिना मिट्टी कैसे गुजरोगी, मृदा जिसमें अनाज पैदा हो रहा है और कोई जरिया है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे क्या क्या, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी, ये सब हमको चाहिए, हमको सूक्ष्म जीवी की भी आवश्यकता है। दूध से दही जमना बहुत बड़े सूक्ष्म जीवी का काम है, आप नाम ढूंढिए, बहुत इजी है आजकल तो ढूंढना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। और अभी आप देखेंगे हाल ही के दिनों में, पिछले अभी जो तारीख चल रही है जून के लास्ट वीक से, रशिया जैसे देश में जहाँ की एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ 47 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। तो पिछले 15 दिन से वहाँ गजब की आग लगी हुई है। जापान जैसे देश में, ब्राजील जैसे देश में, यूएसए में आग लगी हुई है जिसका कि कारण समझ में नहीं आता। जलवायु परिवर्तन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं ये बातें इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपके ये पूरी डिटेल समझ में आ जाए। जो बात आई अभी कि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं, वन, अब वन ही जल रहे हैं आपके, और आज लगभग करते करते 16 दिन हो चुके हैं, जंगलों में गजब की आग लगी हुई है। मैं आपको डिटेल देता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि वन ये हमारे प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। पूरा का पूरा वन का सिस्टम है, जंगल है, मिट्टी है, जल है ना, कहते हैं ना जल जंगल जमीन, उत्पादन हो रहा है अंदर, फल फ्रूट सब्जी ये वो, तो बहुत सी चीजें उत्पादन होकर आ रही हैं जंगल से, जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये हमारे सब्जेक्ट मैटर का मुद्दा है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, आइए यदि आप आसपास नजर फैलाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो भारत हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे रिच कंट्री है, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट ऑफ द रिच। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8%, कितने, लगभग 16 लाख पाई जाती हैं, इतनी पॉपुलेशन हमारे पास है। वी आर वेरी लकी, हम बड़े किस्मत वाले हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। और आप पहले ही भारत में पाए जाने वालों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में आपको नॉलेज करवा दी गई है 9th में। और आप सोचते भी होंगे, आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। डायरेक्टली तो हम कहते थे हमें क्या, तापमान बढ़े तो बढ़े, सर्दी पड़े तो पड़े, बर्फ पड़े तो पड़े, सूखा पड़े तो पड़े, बाढ़ आ जाए, हमें क्या, हमें क्या नहीं, हम सब जुड़े हुए हैं माई डियर स्टूडेंट्स। पूरा विश्व इस समय, अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी आग लगी हुई है।
जंगलों में स्पेशली आग लगी हुई है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत गजब का हो रहा है। अभी आप देखेंगे जैसे मैंने कहा रशिया और अमेरिका, यहाँ आग लगी हुई है तो रशियन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कई मिलियन ईयर्स अगो की बर्फ पिघल रही है, तो उसमें कई वायरस और बैक्टीरिया नए भी तो आ रहे हैं, समझिए सूक्ष्म जीवी की बात कर रही है ज्योग्राफी, कि नए वायरस नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, नई नई बीमारियां रोज ला रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की बात ये वाली है, वो अब तक दबे हुए थे और अब वो पानी के साथ निकल निकल के बाहर आने लग गए। कहने का मतलब ये, हमें इस एंगल से भी ज्योग्राफी तैयार करनी है। अगर हम ये सब चीज़ें समझने लग गए तो बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपको समझ आ जाएगा। ये रोज के जीवन में हमारे आते हैं ना, विविध वनस्पति जात और प्राणी जात रोज जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, हम वैल्यू नहीं करते। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मिले हुए हैं, ठीक है काटो, पेड़ है ही, पेड़ ही तो है, कोयला ही तो है निकालो, पेट्रोल ही तो है, डीजल ही तो है निकालिए, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन पर भारी प्रेशर बना दिया है। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वन वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अब काम की बात शुरू हो जाएगी कि अकेले इंडिया में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनमें से कई स्पीसीज तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने यानी खत्म होने के, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, धरती से ही गायब। इनमें आपका सबसे पहले चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधु का इंसिग्नस यानी महुए की एक जंगली किस्म है, और हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन, ये घास की एक प्रजाति है। देखिए क्या है कि साहब, पूरी फूड चेन बनी हुई है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, वापस समझिए, एक तो क्योंकि हमें कई चीज़ें, झरना फ्री बह रहा है हम उसकी कद्र नहीं करते, ठीक है बह रहा है बह रहा है, हमें क्या कद्र नहीं है, कद्र करनी छोड़ दी तो आज क्या हालत है कि 10% वन्य के वनस्पति, 20% आपके स्तनधारी यानी जानवर कह लीजिए लुप्त होने के खतरे पर आ चुके हैं, ये ऑलरेडी पहले ही हो गया, और इनकी कई स्पीसीज फैमिली में से गायब हो चुकी हैं और कई होने वाली हैं। इनमें आपको कितना परेशान किया है, चीते को आप कैसे बचा के रखें, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, देखिए आप महुआ की जंगली किस्म है ये, है ना। देखिए होता क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सबका कंट्रीब्यूशन है हमारे इस तंत्र में। होवर्डिया हेप्टान्यूरॉन, ये घास की एक प्रजाति है, तो ये पौधे गायब हो गए। जैसे मैं राजस्थान की बात कहूँ तो गोडावणा, बड़ी मुश्किल से अभी 283 चूजे हम उत्पन्न कर पाएंगे, 283। जैसलमेर में इनका संरक्षण किया जाता है, बात चली है तो मैं आपको बताऊं, इंडियन बस्टार्ड कहते हैं, वो भी गायब होने के कगार पे था, लुप्त होने के, बड़ी मुश्किल आई है उसको वापस, एक तरह से पुनर्जन्म ही हुआ है उसका, लुप्त होते वन, ये बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है, शायद मैंने गलत लिख दिया, ठीक कर देते हैं। अब ठीक हो गया ये। भारत में जिस पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक परेशान कर देने वाला आंकड़ा है। देश में वन फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित इतना 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, कुल भूभाग का हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का ये लगभग 25% मान लीजिए, सघन वन है हमारे 12%, खुला वन है हमारे पास 9%, मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे पास 0.15% है ना परसेंटेज।
ये कहाँ के आंकड़े हैं? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। कि जब से हमने ये प्रोग्राम लिया है कि जंगल काटना मना है, अभी आगे आएगा हमारे, हमने कुछ जंगलों को जंगल काटना निषेध यानी उसको हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ले लिया है बचाव के लिए, तो उसमें से वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, कुछ प्रोटेक्टेड हैं, है ना, तो कुछ शर्तों के हिसाब से ही उसमें अंदर आना जाना अलाउ किया जाता है। काटना कई जगह पे निषेध है, कानून उसको देखता है। तो ये प्रतिशत है, मैंने कहा था आप शुरुआत में कि ये इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर है, बहुत सारी सूचनाएं आएंगी। देख लीजिए जंगलों की क्या हालत है। जंगलों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेते हैं जंगल। कुछ तथ्य मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है, क्या हुआ उसमें, फॉरेस्ट फायर को देखेंगे आप तो काफ़ी आपको समझ में बातें आ जाएंगी। जंगल की आग जो हमने अभी डायग्राम देखा, फोटोग्राफ देखा है, क्या कहते हैं कि 8 कंट्रीज में तो अभी 8 देशों में तो फॉरेस्ट फायर चल रही है। अब भी आज लगभग मैंने कहा 16-17 दिन हो गए उसको, आग पकड़े हुए जंगल जल रहे हैं बहुत बुरी तरह। और दूसरा क्या है इसमें, कौन कौन से देश हैं, USA यानी अमेरिका, रशिया, यहां आग लगी हुई है जंगल में, तो ये सोचने की बात होगी। टर्की, ग्रीस, यहां आग लगी हुई है, टर्की, ग्रीस, और देखिए ब्राजील, इटली, मतलब ये ठंडे यूरोपियन कंट्रीज में भी, और रशिया जो कि बर्फ से जमा रहता है, साइबेरियन रीजन, वहां आग लगी हुई है। और आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, स्पेन और जापान, इन जैसी कंट्रीज में फॉरेस्ट फायर चल रही है, जंगल की आग। आपने सुना होगा ना, बोलते हैं आपस में कि ये खबर तो जंगल के आग की तरह फैल गई, वैसे ही इन 8 देशों में आग लगी हुई है बीते हुए 17 दिन से। ये शुरू हुई थी लास्ट वीक जून, कंट्रोल करने के लिए लोग गए हैं। बहुत ही रुचिकर बात बताता हूं, ₹1.13 करोड़ जल चुका है, तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना नुकसान अब तक हो चुका होगा। 1.13 करोड़ लिखा है मैंने, करोड़ एकड़ जंगल जल चुका है। वन की आग हिंदी में भी लिख देता हूं, ये लेटेस्ट न्यूज है, 1.13 करोड़ एकड़ जल के राख हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। लगभग 38 लोग खत्म हो चुके हैं। और क्या हुआ है, 1000 घर जलकर राख हो चुके हैं। तो देखा आपने कि जंगल की आग क्या रंग दिखा सकती है, मैं आगे बताऊंगा इसको बुझाने में कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी ये घातक हो सकती है। इमेजिन कीजिएगा, ये जो फोटोग्राफ दिखाया गया है आपको, ये यूं ही नहीं दिखाया गया है, कोई ना कोई इसके पीछे मीनिंग है। ओके, संकटग्रस्त जातियां, फॉरेस्ट फायर पे बीच बीच में और बात करेंगे। ये वो जातियां जिनके खत्म होने का, लुप्त होने का मतलब अब ये धरती से गायब हो जाएंगे, ये वाली बात है।
जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और अगर ये परिस्थितियां बनी रहती हैं तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, मर ही जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। काला हिरन, आपका मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन, मतलब ये कुछ ऐसी हैं कि ये इनके अगर लायक क्लाइमेट ना रही जलवायु, तो मान के चलिए कि कुछ ही वर्षों में ये लुप्त हो जाएंगे। और ये आप लोग जानते ही हैं, हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि फूड चेन होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो वो टूट जाएगी, वो खराब हो जाएगा सिस्टम जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, वो बिगड़ जाएगा सिस्टम अगर आपने अभी ध्यान ना दिया तो। वुलनरेबल सुभद जातियां खत्म हो जाएंगी, ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है स्लोली स्लोली, ये इनकी क्या है कि नंबर घट रहा है। अब अगर इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं, इनकी संख्या और घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इनमें कौन कौन आ जाएगा? खत्म होने के कगार पर नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, अब तो फिर भी गंगा में डॉल्फिन की थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, पर बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, इतना सरल नहीं होता है बचा के रखना, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स हैं, शिकार, जलवायु, ये हमारे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। स्थानिक जातियां, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको शुरू में कहा था बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आया है, ये हमारे पीरियोडिक्स में आएगा, यानी हमारे जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे बाय द टाइम नवंबर, ये उसमें आएगा आपके, है ना। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण है। ये किसमें आ जाएंगे? स्थानिक जातियां। इन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी वैज्ञानिक भौगोलिक वेत्ता ढूंढने गए इनको जंगल में, इनके निवास स्थान पे, इनके रेजिडेंस, इनके रहने के स्थानों पर, गहरे वन में, वहाँ ये नहीं मिले, खत्म हो गए। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। ऐसे में कौन आया नाम सबसे ऊपर? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, बिल्कुल गायब है, इनको बहुत ढूंढा नहीं मिले, गायब हो गए। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात पर कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये आपके जीके का भी पार्ट है, ये आपके सीबीएसई में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, इसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में ना लेके जीके प्लस टेंथ की प्रिपरेशन ऐसे समझिए, मेरे तीनों काम हो रहे हैं, मेरी जीके भी बढ़ रही है, सीबीएसई का करिकुलम भी तैयार हो रहा है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर क्लास 10 फॉर ज्योग्राफी पेपर, क्यों? बिकॉज यही सारी कंटेंट्स जो हमने किए हैं ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी काम आने वाले हैं, सो गेट देम रेडी, अभी से इनको पक्का किया जाए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको और बताना चाहूंगा जंगल की आग पे, क्योंकि हमारे कोर्स में है ये टॉपिक। सातवां पॉइंट मैं लिखवाना चाहूंगा आपको, इन आठों देशों में जिनमें मैंने आग की बात की है, एक 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, बचाकर बाहर ले जाना पड़ गया, या तो ये जंगलों के उस एरिया के पास रह रहे थे जहां आग लगी हुई है,
तो आप समझे जरा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 38,000 फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले काम कर रहे हैं। मैंने लिखा है 38,000 आग बुझाने वाली अग्निशमन के काम करने वाले काम कर रहे हैं इन जंगलों में। इट इज नॉट एन ईजी जॉब, ये केक वॉक नहीं है कि गए और आग बुझा दी। 650 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो अब जरा समझ गए होंगे कि पर्यावरण पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनके अननेसेसरी पिघलने से नदियों में जल का उफान आ रहा है। तो हमारा पूरा तंत्र जो बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो सिस्टम्स बने हुए हैं क्लाइमेट के वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि यूएसए, रशिया एंड ब्राजील में जो आग लगी है जंगलों में, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक, मैं आपको रियो डी जेनेरो की याद दिलाता हूं, हमने बात की हुई है उसकी, वहां पे भी क्लाइमेट चेंज पर शपथ ली गई थी, याद कीजिए। यूएसए, रशिया, ब्राजील में क्लाइमेट चेंज बहुत जबरदस्त हुआ है, इसलिए यहां पर फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। मैं कौन सी बात कर रहा हूं आपसे, उस फोटोग्राफ के बेस पर फॉरेस्ट फायर की जो बात हमने शुरू की है, मैं उसकी तो कुछ आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो देना चाहता हूं। ग्रीस और टर्की में जो जंगल में आग लगी है, इसका पता नहीं कैसे लगी, ये जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है ना, इनको मालूम नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे आग कैसे लगी, और लग गई तो आप बुझाएं कैसे। इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब, बहुत मुश्किल काम है। तो आप देख रहे हैं 110,000 लोगों को तो बचा के बाहर लाई, 38,000 आग बुझाने वाले जंगलों में काम पर लगे हुए हैं, 650 हेलीकॉप्टर्स दिन और रात काम कर रहे हैं, यूएसए, रशिया, ब्राजील में जो आग लगी है पता कर पाए कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से आग लगी है। ग्रीस टर्की की लगी हुई आग का हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लगी, अभी भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अकेले रशिया में देखिए कितने एरिया में आग लगी हुई, जरा देखिए 1.03 एकड़ में, इतने एरिया में आग लगी हुई है जंगल में। यूएसए में यानी अमेरिका में ये लाखों में है माय डियर फ्रेंड्स, 6 लाख एकर्स, 6 लाख एकड़ के क्षेत्र में जंगल जल के राख में तब्दील हो गया है। जो पेड़ पौधे जंगल था वो माय डियर स्टूडेंट्स राख में पलट चुका है, उठा लीजिए, जलती हुई है अभी तो, गरम गरम बुझी भी नहीं है। ग्रीस में ऐसी आग बीते हुए 40 साल में देखने को नहीं मिली है, नॉट इन 40 ईयर्स। ग्रीस में ऐसी आग जो अभी लगी है बीते हुए 40 साल में देखने को साहब नहीं मिली है। आई होप ये बातें आपके बड़े काम की होंगी, इससे आप जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सीखेंगे। टेम्परेचर मोर देन 47 चल रहा है, जरा आप अपने इंडिया का टेम्परेचर नाप के देखिए। मैं समझता हूँ मई जून में यूपी का कोई भी शहर 47 से 49 जाता होगा, राजस्थान भी 47 से 49 डिग्रीज तो बड़ा कॉमन है, एमपी भी लगभग इसी रेंज में होता होगा, बिहार भी मैं समझता हूँ इसी रेंज में होता होगा। हम लोगों की लू चलती है भारत में, तो जरा रशिया को देखिए ना,
वहां तो अगर धूप में निकल जाए तो कितनी गर्मी गर्मी लगेगी, इतनी आग लग गई है इस टेम्परेचर की वजह से। ये मैंने टेम्परेचर लिखा है 47-49 की रेंज, रशिया का टेम्परेचर 47 हो रहा है। इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है कि जो 12-11-12 के आसपास चलता था एवरेज टेम्परेचर, चौगुना हो गया है, 48-49 पहुंच गया है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। ये कहते हैं अमेरिका के 13 राज्यों में आग लगी हुई है। और क्या है, यहाँ पे 25,000 फायर फाइटर काम पर लगे हुए हैं, 25,000 लोग 13 राज्यों में यूएसए में आग बुझाने में लगे हुए हैं। आई होप आपको इस टॉपिक की इंटेंसिटी शायद समझ में आने लग गई होगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग हमारी लगी तो हमारा क्या लॉस हुआ, इतना लॉस हमें हो रहा है ना। प्लस 450 हेलीकॉप्टर्स यूएसए में उड़ान भर रहे हैं बार 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 आग बुझाने के लिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात आ गई हमारे। 1 घंटे का खर्चा इनका कितना है, उड़ान भर के वापस आना जाना कितना लगता है, मात्र 6 लाख रुपए खर्च हो रहा है हर 1 घंटे में। 450 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 1 घंटे में 6 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो जरा ये कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। रशिया में, साइबेरिया में और याकूटिया, ये किसमें है, ये हीट वेव में। हीट वेव अपने यहां इंडिया की क्या बन गई, लू, लू जैसी हवाएं चल रही हैं। साइबेरिया बर्फ जमी रहती है मेरे दोस्त, याकूटिया वहां हीट वेव चल रही है, यानी लू चल रही है। मतलब ये बड़े आश्चर्यजनक फैक्ट्स हैं। जिन एरिया का अगस्त के महीने में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था, साइबेरिया का एवरेज बोल रहे हैं, एवरेज बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, एक दिन का नहीं बोल रहे, एवरेज पूरे साल भर की। अब क्या हो गया, कितना हो रहा है अभी वहां पे, 47। तो वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर, ये जो फोटोग्राफ आपने देखा इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया, 10-12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो इस दृष्टिकोण से आप तैयारी करें। हमने क्या क्या बातें की है, 8 देशों में आग लगी हुई है, यूएसए, रशिया, टर्की, ब्राजील, इटली, स्पेन। लास्ट वीक से लगी हुई है, 1.13 करोड़ एकड़ में ये आग फैल चुकी है, 38 लोगों की मौत हो गई है, 1,000 मकान जलकर राख हो गए, और क्या हुआ है। तो ये सोचने से, ये जो लुप्त हो रही है ना प्रजातियां, तो मेरा आपको ये निवेदन है, ये कहना है कि नॉट ओनली योर जनरल नॉलेज, नॉट ओनली योर CBSE फॉर 10th क्लास, बट ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी मच यूजफुल फॉर कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो इन योर कमिंग टाइम्स। तो इसको इस एंगल से हम तैयार करें। देखिए, रशिया में एक बार वापस बता दूं, 1.03 लाख एकड़ में आग फैली हुई है, यूएस में 6 लाख एकड़ में फैली हुई है, ग्रीस में 40 साल में ऐसी आग जंगल की नहीं देखी गई है, ग्रीस में 47 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर हो गया है, अमेरिका के 13 राज्यों में 25,000 फायर फाइटर काम कर रहे हैं, 450 यूएसए में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, जिनका कि खर्चा 1 घंटे का सिर्फ 6 लाख रुपए आता है। साइबेरिया, जिसका कि एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस होता था, अभी बढ़ के 47 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये जो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इंडिया के एक बहुत जाने माने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो इस चैप्टर को, जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बात शुरू की थी, उस एंगल से देखते हुए आप इसको, वीडियो को देखें, अपने बुक में ये पार्ट को पढ़ें,
With this, I wish you a good luck and thank you.